तो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। तो पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि हम जो प्रकाशित वाक्य 17 की स्त्री है उसके हाथ में जो कटोरा है तो उसके विषय में हम जानेंगे कि वो कटोरा है क्या और वो किन चीज़ों से भरा है। तो चलिए सबसे पहले प्रकाशित वाक्य 17:4 पढ़ते हैं। यह स्त्री बैंजनी और क्रिमजी कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। तो ये कटोरा है क्या? हिंदी बाइबल में कटोरा है, अंग्रेजी बाइबल में कप है। तो ये कटोरा या कप है क्या जिसके अंदर घृणित वस्तुएं हैं और व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुएं हैं? तो यहाँ पर जो शब्द पात्र या कटोरा या कप इस्तेमाल किया गया है और कुछ ऐसे ही चिन्ह हमें रोमन कैथलिक कलाकृतियों में देखने को मिलते हैं। तो ये एक रोमन कैथलिक कलाकृति है, सेंट बार्बरा होली कार्ड इमेज। ये तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक कप दिखाया जा रहा है, एक पात्र। ओके, हिंदी में कटोरा लिखा है बट कटोरा इज़ नॉट द राइट वर्ड, कटोरा कुछ और ही होता है, बॉल होता है, लेकिन खैर यहाँ पर कटोरा है। अभी दूसरा इमेज अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक और तस्वीर है, restoredtraditions.com बोल के एक वेबसाइट है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक स्त्री है और उसके हाथ में एक कप है। स्त्री दिखाता है कि ये रोमन कैथलिक चर्च जिसके हाथ में एक शिक्षा का कप है। कप का मतलब होता है शिक्षा, डॉक्ट्रिन्स। ओके, यहाँ पर क्रॉस भी देख सकते हैं। यहाँ पर और भी आपको ऐसी मूर्तियाँ दिख जाएंगी, जैसे ये एक है, एक स्त्री है, इसके हाथ में एक कप है और क्रॉस है अंदर। ओके, यहाँ पर एक स्त्री, इसके हाथ में एक कटोरा या कप या पात्र है। ओके, मूर्ति है। तो आपको ऐसे और भी यहाँ पर भी देखिए, एक स्त्री है, हाथ में कटोरा, कप या पात्र है। तो यहाँ पर पात्र जो बताया गया है प्रकाशित वाक्य या फिर कटोरा जो बताया गया है वो क्या है? मैंने बताया कटोरा का मतलब या पात्र या कप का मतलब है कि शिक्षा। ओके, कि इस स्त्री के हाथ में जो कटोरा है यानी जो शिक्षा है वो कैसी शिक्षा है? घृणित वस्तुओं से। ओके, जो घृणित वस्तुओं से यानी फॉल्स डॉक्ट्रिन्स होगा। ओके, इस चर्च में यानी रोमन कैथलिक चर्च, स्त्री जो है, मैंने आपको इस कुछ वीडियो में, इस वीडियो के सीरीज़ में आपको बताया कि स्त्री कौन है रोमन कैथलिक चर्च, माँ कौन है, माँ, मदर ऑफ हार्लोट्स। प्रकाशित वाक्य 17 में पढ़ेंगे तो आपको मदर ऑफ हार्लोट्स यानी घृणित वस्तुओं की माता भी कहा गया है, यानी माँ। तो ये माँ कौन है? रोमन कैथलिक चर्च, क्योंकि रोमन कैथलिक चर्च खुद को मानता है कि वो क्या है, ब्रह्मांड में फैला हुआ है, यूनिवर्सल। ओके, कैथलिक मीन्स यूनिवर्सल, ब्रह्मांड में फैला हुआ। और ये जो चर्च है, कहने का मतलब है कि इस माँ ने और भी झूठी शिक्षाओं को जन्म दिया है। ओके, कब दिया वो हम आगे देखेंगे। और केवल झूठी शिक्षा बांटी ही नहीं है, झूठी शिक्षा दी ही नहीं है रोमन कैथलिक चर्च ने, बल्कि रोमन कैथलिक चर्च ने क्या किया, जन्म भी दिया दूसरे झूठी शिक्षा वाले चर्चों को। एंड शी हैज़ मेड ऑल द नेशंस ड्रिंक, और उसने ये झूठी शिक्षाएं सारे देशों को पिलाई हैं। यानी रोमन कैथलिक चर्च ने उस कप में से यानी उस पात्र में से या फिर उस कटोरे में से सारे देशों को पिलाया है घृणित वस्तुएं। क्या पिलाया है? झूठी शिक्षा। ओके, झूठी शिक्षा बांटी है, कहने का मतलब ये है। तो अब हम देखते हैं कि रोमन कैथलिक चर्च ने कब, जो कि एक माँ भी है, मदर ऑफ हार्लोट्स यानी घृणित वस्तुओं की माता, प्रकाशित वाक्य 17 पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। तो हम देखते हैं कि कैसे रोमन कैथलिक चर्च ने, देखिए प्रकाशित वाक्य 14:8, फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यहाँ यह कहते हुए आया कि गिर पड़ा बड़ा बाबुल बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। तो यहाँ से हमें साफ पता चलता है कि रोमन कैथलिक चर्च ने, जो कि एक बेबीलोन है, साथ में बेबीलोन ही नहीं एक स्त्री भी है और वेश्या भी कहा गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप प्रकाशित वाक्य 17 पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। इसने क्या किया, अपना जो झूठा शिक्षा है सारी जातियों को यानी ऑल नेशंस को पिलाया है। कहने का मतलब है कि अपना जो झूठा शिक्षा है वो सारी जातियों पर पूरे देश में दुनिया में बांटा है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि रोमन कैथलिक चर्च ने
यानी इस स्त्री ने कब झूठी शिक्षाओं को यानी झूठी शिक्षा वाले चर्चों को जन्म दिया। तो रिफॉर्मर्स आप जानते हैं, मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन, जॉन नॉक्स, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें रिफॉर्मर्स कहा जाता है। रिफॉर्म मतलब फिर से बनाना, रिफॉर्मर्स मतलब फिर से बनाने वाले, क्या शिक्षा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने विरोध किया। तो मार्टिन लूथर ने कम से कम 95 थीसिस लिखा रोमन कैथोलिक चर्च के ऊपर कि क्या क्या चीज़ें गलत है इनका। ओके, तो रिफॉर्मर्स ने क्या किया, तो रिफॉर्मर्स ने जो ये शिक्षा है, शिक्षा को लेके विरोध किया, रोमन कैथोलिक शिक्षा को लेके विरोध किया। प्रोटेस्टेंट भी कहा जाता है रिफॉर्मर्स को, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, विरोध करना। तो मार्टिन लूथर, जॉन नॉक्स, जॉन कैल्विन, इन्होंने विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, इसलिए इन्हें प्रोटेस्ट कहा जाता है। ओके, लेकिन आज के जितने भी प्रोटेस्टेंट चर्च हैं इस दुनिया में, ये कुछ भी नहीं कहते रोमन कैथोलिक चर्च को कि ऐसा मत कीजिए, प्यार से उन्हें समझाना चाहिए कि सीखो सही शिक्षा क्या है, गलत शिक्षा क्या है। आज के प्रोटेस्टेंट चर्च अपने दुनिया में मस्त है, वो जो करते करने दो, रोमन कैथोलिक चर्च जो करता है उन्हें करने दो। और ऐसा विचारधारा रख के और आज के प्रोटेस्टेंट चर्च ये भी सोचते हैं कि हमें किसी को कुछ नहीं बोलना है, हमें बस अच्छे से रहना है, क्यों, हमें सब एकता में रहना है। और ऐसा झूठा एकता, अगर आप सच्चाई को कुर्बान करके, बाइबल का सच्चाई को कुर्बान करके, प्रोटेस्टेंट चर्चों से बोल रहा हूँ कि अगर आप सच्चाई को कुर्बान करके उन्हें सत्य नहीं बताते और एकता यानी एकजुट होकर रहना चाहते हैं, तो ये एकजुटता या एकता ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अभी आपके मन में आया होगा कि प्रोटेस्टेंट चर्च कौन से हैं जिन्होंने विरोध किया, किन किन ने विरोध किया। अभी को फिर प्रोटेस्ट करने के बाद में मार्टिन लूथर, जॉन नॉक्स, जॉन कैल्विन, इन्होंने विरोध करने के बाद में यानी प्रोटेस्ट करने के बाद में कौन सा चर्च आया। खैर, इस विषय में मैंने पहले वीडियो बना दिया है, यही बोल रहा हूँ आप लोगों को वो वीडियो देखने के लिए। पहले 40 या 50 मिनट का वीडियो है, लेकिन वो वीडियो आप अगर देख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। खैर, तो अभी इन्होंने किन किन चीज़ों को का विरोध किया, मार्टिन लूथर इन सब ने, रिफॉर्मर्स ने, ट्रांस सब्सटेंशिएशन का विरोध किया। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि रोमन कैथोलिक चर्च मानते थे और आज भी मानते हैं, जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हम जो ब्रेड और लहू लेते हैं, तो जो ब्रेड है यानी जो रोटी है, वो यीशु मसीह का वास्तविक शरीर है, ये मानती है। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। इस चीज़ का जस्टिफिकेशन बाय फेथ एंड वर्क्स, तो रोमन कैथोलिक चर्च ये भी मानता था और मानता है आज भी। प्रभु हमें कैसे जांचेगा, प्रभु हमें जांचेगा, हमारा पहले तो विश्वास देखेगा कि हमने यीशु पे विश्वास किया है कि नहीं। दूसरा चीज कि हमारे अच्छे कामों को देखेगा, लेकिन बाइबल इसके उलट सिखाती है। ओके, एफिसियो 2:8-9 देखिए बाइबल क्या सिखाती है। क्योंकि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरना परमेश्वर का दान है। तो उद्धार जो है वो हमारी ओर से कभी नहीं हो सकता। हम चाहे कितना भी दान कर ले, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, कितना भी गरीबों को खाना खिलाओ, उससे हमारा उद्धार नहीं होता है। उद्धार होता है कैसे, फ्री में, उद्धार फ्री है, हमें केवल विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास ही के द्वारा, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ओके, और ना कर्मों के कारण, अच्छे कर्मों से हमारा उद्धार नहीं होगा, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो क्या इससे एक और सवाल उठता है कि क्या हमें अच्छे कर्म नहीं करने। देखिए, जब आप विश्वास करते हैं, सच्चा विश्वास, तब अच्छे कर्म तो आप खुद ब खुद ही कर ही लेंगे, क्योंकि आप यीशु पे विश्वास करेंगे। और यीशु क्या सिखाता है, दूसरों की मदद करो, हेल्प करो, लव दाई नेबर, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। पड़ोसी कौन, हर एक व्यक्ति इस पृथ्वी का। तो हमें क्या करना है, हमें केवल विश्वास करना है, और अच्छे काम तो आप खुद ब खुद करोगे। उद्धार जो है वो परमेश्वर का दान है, लेकिन रोमन कैथोलिक सिखाते हैं उद्धार के लिए, यानी प्रभु तुम्हें कैसे जांचेगा, तुम्हें विश्वास तो करना ही है, साथ साथ में तुम्हें अच्छे कर्म भी करने ही पड़ेंगे, तभी तुम्हारा क्या होगा, उद्धार होगा। ये गलत शिक्षा है। नहीं, अच्छे कर्म तो आप खुद भी खुद करोगे, लेकिन अच्छे कर्मों से उद्धार नहीं होगा। उद्धार होगा किससे, विश्वास से। दी मिडिवल मास, तो ये सब मास, ऐसे प्रार्थनाएं, ये सब करना पड़ता है, ये कहते हैं, कभी डिटेल्स में इनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। दी सेवन सैक्रामेंट, ये सारी चीज़ें, ऐसे कुछ सेवन सैक्रामेंट करने पड़ेंगे, ये सब बातें ये कहते हैं। सेलिबेसी, प्रूगोटेरी, जैसे कोई एक जगह है आत्मा मरने के बाद में
ये रोमन कैथलिक मानते हैं कि आत्मा मरने के बाद में कोई ऐसी एक जगह जाती है, वहाँ जाके शुद्ध होती है कुछ समय के लिए, फिर से वापस आती है, ये सब चीज़ें मानते हैं। इंडलजेंसेस, पापल अथॉरिटी और ये सारी चीज़ें हैं। और मार्टिन लूथर ने बहुत सारी अच्छा चीज़ किया उसने। जैसे पहले के समय में बाइबल केवल पोप लोग को पढ़ने का अधिकार था, नॉर्मल विश्वासियों को नहीं था अधिकार पढ़ने का बाइबल। तो उसने ये चीज़ भी विरोध किया कि नहीं, सबको बाइबल पढ़ने का अधिकार है, केवल पोप लोग को नहीं। ओके, तो विरोध किया। विरोध करने के बाद में उसने एक और चीज़ का विरोध किया कि पोप जो है वो पूरा रोमन कैथलिक, इस दुनिया में जितना भी रोमन कैथलिक चर्च है आज भी पोप कंट्रोल करता है, पोप के अंडर है। ओके, जितना भी रोमन कैथलिक चर्च। लेकिन मार्टिन लूथर ने ये भी इसने विरोध किया कि नहीं, चर्च कभी भी पोप का नहीं है। बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है चर्च पोप का है। बाइबल में लिखा है चर्च जो है वो यीशु मसीह का है, यीशु मसीह ही कंट्रोल करेगा उसे, जैसे भी करेगा। तो पोप कंट्रोल नहीं करेगा। आज भी क्या होता है, कोई एक नया रूल डालना है या कुछ करना है तो आज भी पोप रूल्स बनाता है और उसका कॉपीज बना के जितने भी संसार में रोमन कैथलिक चर्च है उन्हें बांट देता है और उसके हिसाब से, पोप के हिसाब से रोमन कैथलिक चर्च को चलना पड़ता है। जो ये बताता है कि रोमन कैथलिक चर्च यीशु मसीह का नहीं है, पोप चला रहा है उसे, यानी वो पोप का चर्च है। ओके, तो इन सब चीज़ों का विरोध किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्टिन लूथर बदल नहीं पाया प्रोटेस्टेंट चर्चों में। ओके, प्रोटेस्ट किया उसने और उसमें से जो चर्च निकल के आए रोमन कैथलिक चर्च में से, जो चीज़ चेंज नहीं हुआ, एक है छिड़काव बपतिस्मा। अभी भी बहुत से प्रोटेस्टेंट चर्च छिड़काव बपतिस्मा मानते हैं। दूसरा, जो छोटे बच्चों को भी बपतिस्मा देते हैं। अभी हमने वचन पढ़ा कि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, तो हमें पहले विश्वास करना पड़ेगा, फिर अनुग्रह होगा प्रभु का, फिर उद्धार होगा। तो ये स्टेप्स है, ये चीज़ों को रोमन कैथलिक चर्च और बहुत सारे प्रोटेस्टेंट चर्च है बच्चों का बपतिस्मा देते हैं, ये गलत है। बाइबल तो सिखाती है तुम्हें विश्वास होने लायक, यानी कहने का मतलब है जब तक तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं आएगी तो छोटे बच्चों को कैसे बुद्धि आ सकती है, कैसे विश्वास कर सकते हैं। तो फिर ये बोलते हैं कि नहीं, फिर छोटे बच्चे मरने के बाद अगर हम बपतिस्मा नहीं देंगे तो वो फिर नर्क चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, छोटे बच्चे जब मरते हैं स्वर्ग ही जाते हैं। ओके, दाऊद का पुत्र मरा था। दाऊद ने क्या कहा था, 3 दिन बाद जब वो उठा बेटा मरने के बाद में, 3 दिन तो भूखा प्यासा रहा, दुआ करता रहा, लेकिन जब बेटा मरा वो उठा, बोला कि मैं एक दिन मिलूंगा तेरे से। तो क्या वो ये बोल रहा था दाऊद कि मैं एक दिन नर्क में मिलूंगा? नहीं, वो बोल रहा था मैं एक दिन स्वर्ग में मिलूंगा। ओके, दाऊद को तो परमेश्वर ने माफ़ कर दिया था, तो इसका मतलब दाऊद स्वर्ग ही जा रहा है, उसका बेटा कहाँ पर है, स्वर्ग में ही है। तो रिफॉर्मर्स यानी मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन, जॉन नॉक्स, इन्होंने जब ये विरोध किया इन सब शिक्षाओं को लेके, अभी भी बहुत सारी चीज़ें वो चेंज नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने चर्च बना दिया अपना अलग से, प्रोटेस्टेंट चर्च। तो कहने का ये मतलब है, ये जो स्त्री है प्रकाशित वाक्य 17 की स्त्री जो कि रोम है, इस स्त्री ने और भी झूठे चर्चों को जन्म दिया, प्रोटेस्टेंट चर्च। इस दुनिया में जितने भी चर्च हैं रोमन कैथलिक से प्रोटेस्ट करके निकले हैं, आप लोग इतिहास देखो, जाँचो, वो सारे के सारे चर्च क्या हैं, झूठी शिक्षा वाले हैं सारे के सारे चर्च। सवाल ये उठता है तो फिर सच्चा चर्च कौन सा है? देखिए, चर्च मतलब कोई घर नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ चर्च का मतलब है लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल। तो जो ग्रुप ऑफ पीपल यानी जो चर्च केवल बाइबल की शिक्षाओं को मानता है वो ही सच्चा चर्च है। बाइबल से बाहर कोई भी चीज़ अगर है, यानी बाइबल के डॉक्ट्रिन से, ओके, बाइबल के शिक्षाओं से कोई भी चीज़ अगर अलग है तो वो चर्च परमेश्वर का चर्च नहीं है। और अगर आप सच में जानना चाहते हो कि कौन सा चर्च निकल के आया है रोमन कैथलिक चर्चों में से, आप देखो हिस्ट्री ऑफ एवरी चर्च, मैंने वीडियो बनाया है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। ओके, खैर तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इनका कलर्स, जो बैंजनी और क्या बोलता है क्रीमजी यानी पर्पल और स्कारलेट कलर, और इनका धन रुपया, इस विषय में देखेंगे। धन रुपया मतलब उस स्त्री का क्या था, सोने और बहुमूल्य मणियों से लदी हुई थी, ये सब धन रुपया है जो है इनका, जो इस स्त्री का, इस विषय में थोड़ा और गहराई से देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह की।